हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने गेम में ये वाला हाउस कैसे ले सकते हैं। और भाई, इस हाउस का डिज़ाइन पूरा कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और मैं अपने गेम में रेन मोड में ही ले पा रहा हूँ। और अगर आपको भी रेन मोड चाहिए तो भाई कमेंट में ज़रूर से बता देना, और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। मैं आपको बताने वाला हूँ कि रेन मोड अपने गेम में कब आने वाला है और आप कैसे ले सकते हैं इसको। पर उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अपने गेम में एक न्यू फीचर ऐड हुआ है, जिससे भाई हमको काफ़ी इजी हो जाएगा गेम खेलना। तो भाई सबसे पहले एडजस्ट टूल में जाके, जैसे कि मैंने लोड लिखा है, और अगर मैं टिक पे दबाऊंगा तो देख सकते हो आप जहाँ मैंने गेम सेव करी थी, मैं वहीं आ चुका हूँ। तो गाइज, आप सब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे गेम सेव किया था, मैं यहाँ पे वापस आ चुका हूँ। पर उससे पहले भाई मैं अपनी स्कॉर्पियो की टेस्टिंग कर लेता हूँ कि ये इस कंटेनर पे चढ़ पाएगी या नहीं। तो भाई मैं फुल रेस दे रखे और भाई ये चढ़ भी चुके भाई इस पे। तो भाई अपनी स्कॉर्पियो पास हो चुके है इसमें, पर अब मैं इससे ऊँचे पर चढ़ा के देखता हूँ कि भाई ये उस पर चढ़ पाएगी या नहीं। तो सबसे पहले मैं इस पर कंट्रोल कर लेता हूँ, फिर भाई पूरी रेस दूंगा एक साथ और देखूंगा कि भाई ये इन पे चढ़ पाएगी या नहीं। तो गाइस ये तो इस पे बिल्कुल आसानी से चढ़ गई है, देख सकते हैं आप सभी। और भाई अगर मैं इस पे चढ़ा के देखूँ तो भी ये चढ़ जाएगी, क्योंकि भाई ये काफ़ी नीचा है। तो भाई सबसे पहले मैं पूरी रेस दे रखता हूँ, और भाई ये यहाँ से गिर चुकी है, पर भाई चढ़ गई थी तो मिशन पास हो चुका है अपना। तो भाई अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि अपना नेक्स्ट अपडेट क्या है। तो सबसे पहले आपको जाना है एडजस्ट टूल में, और वहाँ पे मैं लिख देता हूँ जेट। तो भाई जेट लिखने से यहाँ पे बहुत सारे जेट आ जाएंगे। तो भाई मैंने JET जेट लिख के टिक कर दिया है, फिर भाई एक और बार लिख दिया है। मैं भाई यहाँ पे दो बार और लिख देता हूँ ताकि बहुत सारे जेट दिख जाए मुझे आसमान में। तो भाई मैंने चार बार जेट लिख दिया, तो आप देख सकते हैं कि अपने सामने कितने सारे जेट आ चुके हैं। तो भाई मैं आपको दिखा देता हूँ उससे, तो ये देख सकते हैं भाई मेरे सामने बहुत सारे जेट उड़ रहे हैं। मैं इन पे मारने की कोशिश कर रहा हूँ लॉन्चर से, पर भाई इन पे कुछ भी नहीं हो रहा। ये भाई क्योंकि बहुत तेज़ उड़ रहे हैं, इसलिए भाई मैं इन पे नहीं मार पा रहा। तो भाई चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। उससे पहले मैं आपको इसका भी टेस्ट दिखा देता हूँ कि अपनी फॉर्चुनर से हम रैम्पेज को पार कर सकते हैं या नहीं। और भाई मैं फुल स्पीड दूंगा इसकी, तो देखता हूँ कि भाई इस गाड़ी में ये पार कर पाएगी या टूट जाएगी या क्या होगा। और भाई जैसे कि आप देख सकते हो इसकी स्पीड बढ़ रही है धीरे धीरे, और ये बहुत तेज़ हो चुके हैं और इसके पार्ट टूटने चालू हो चुके हैं। और भाई ये देखो पूरी पलट गई, और भाई दोबारा सीधी हो गई। अब ये अब नहीं जा पाएगी यार ये, जैसे कि आप देख सकते हो इसका गेट भी टूट गया है और पीछे से भी टूट गई है पूरी। और भाई इसको पार नहीं कर पाई भाई ये फुल स्पीड में। पर भाई ये कार काफ़ी मस्त है यार, फॉर्चुनर इस गेम में बहुत सही है, और भाई ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इस कार में। तो भाई अब मैं आपको बता देता हूँ कि हम अपने गेम में ये रेन मोड कैसे ले सकते हैं। और भाई जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपने शोरूम के पास हूँ, और भाई मैंने ज़ोंबी का चीट कोड लिख रखा है, इसलिए बहुत सारे ज़ोंबी मेरे को मार रहे हैं। तो भाई मैं अभी आपको बताऊंगा कि हम रेन मोड कैसे ले सकते हैं, पर उससे पहले मैं आपको एक फ़नी ग्लिच दिखाने वाला हूँ अपनी मॉन्स्टर थार के साथ। तो भाई मैं आ चुका हूँ ट्रेन के पास अपनी थार को लेके, और अगर मैं इसको इसके गेट के सामने खड़ा कर दूँगा और भाई फिर मैं उतरूँगा, तो भाई मैंने मॉन्स्टर ट्रक को यहाँ खड़ा कर दिया है। और जैसे मैं इसमें बैठूंगा तो भाई देख सकते हो कहाँ पे बैठ रहा है। ये काफ़ी फ़नी ग्लिच है, देख सकते हो भाई, ये बहुत पहले का ग्लिच है पर भाई काफ़ी फ़नी है। देखो भाई कैसे पोजीशन में है, और मैं स्टेयरिंग भी घुमा रहा हूँ तो वो भी घूम रहा है भाई। और ये देखो मैंने स्टंट मार दिया, और भाई ये पलटा भी नहीं, काफ़ी मस्त ग्लिच है। तो भाई आपको कैसा लगा है ग्लिच, लाइक करके ज़रूर से बता देना और कमेंट भी कर देना। और भाई अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम अपने गेम में फ्लाइंग बाइक को कैसे ले सकते हैं, और उससे पहले मैं आपको इस मॉन्स्टर थार का चीट कोड भी बता दूं। तो इसका चीट कोड है 09090। तो आप सभी देख पा रहे होंगे कि हमारे सामने थार आ चुकी है, और मैं इसका कलर कर देता हूं सबसे पहले ब्लैक, क्योंकि ब्लैक में काफ़ी अमेजिंग लगती है। और मैं अब आपको बताने वाला हूं कि हमको ये रेड मोड कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो भाई आपको पता ही होगा, जैसे हम गेम को स्टार्ट करते हैं वहाँ पर एक चैलेंज का ऑप्शन होता है, जहाँ पे फन ट्रैक, जुरासिक और काफ़ी सारे ऐसे मोड होते हैं, वहीं पे हमको ये रेन मोड देखने को मिलेगा। तो भाई इस वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।